दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स विच इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल 40 बाई जी एक्स. हियर वी लेट जी एक्स एज 3x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60. द प्रॉब्लम इज एफ एक्स इक्वल टू 40 अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स इज डिफाइंड एज दिस एंड वी हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट. इन फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन वी आर हैविंग एक्सट्रीम वैल्यू एट सम पॉइंट्स. So in order to finding extreme value of fx, we will find df upon dx. Df upon dx defined as minus 40 upon gx whole square and g dash x. Now this comes out to be gx square. Derivative of gx with respect to x means 12x cube plus 24x square minus 36x. It gives us माइनस 40 डिवाइडेड बाई जी एक्स होल स्क्वायर इंटू 12 एक्स एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 1. सो दिस इज डी एफ अपॉन डी एक्स. इफ यू गो फॉर डी एफ इक्वल टू डी एक्स 0 एंड चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स वील हैव अ नंबर लाइन लाइक दिस. क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स आर सेट टू बी माइनस 3, 0 एंड 1. सो माइनस 3, 0 एंड 1 एंड साइन स्कीम फॉर एफ डैश इज माइनस प्लस माइनस प्लस. एट माइनस 3, एट 0 एंड एट माइनस एंड एट 1 वील हैव लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड मैक्सिमा अगेन. देयरफॉर वी हैव a local minima at x equal to 0, local maxima at x equal to minus 3 and 1 for y equal to fx. For y equal to fx, we are having local minima at x equal to 0 and local maxima at minus 3 and 1. So option A is clearly correct, option B is not true, and option D is also correct. Now in option C, it is asked that absolute maximum value of fx. Now for absolute maximum value of fx, we will explore gx. Since gx is defined as this, therefore g dash x is 12x, x plus 3 and x minus 1. This is g dash x. For g dash x, we have stationary points as again minus 3, 0 and 1, and here we have sine of g dash as follows. This is sine scheme for g dash x. At x equal to minus 3, at x equal to minus 3, we have value g minus 3 as minus 75, g 0 as 60 and g 1 as 53. So if we draw a rough figure of y equal to gx, we have a figure like this. If we draw a rough figure of y equal to gx, we have stationary point at minus 3, 0 and 1, and at x equal to 0 gx gives us 60, at x equal to 1 we have 53, and at x equal to minus 3 we are having negative 75. So at x equal to minus 3 we have minus 75. So this gives us a rough idea of figure of gx. As we can see clearly, graph of y equal to gx cuts x-axis twice. One is on the left side of negative 3 and other is on the right side of negative 3. So when x tending to alpha, when x tending to alpha minus or x tending to
और एक्सटेंडिंग टू बीटा प्लस देन एफ एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स देन जी एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो प्लस एंड दिस गिव्स अस एफ एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. सो वी कैन से दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमा फॉर वाई इक्वल एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड. नाउ आई विल अगेन समराइज दिस क्वेश्चन एज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ फंक्शन वाई इक्वल एफ एक्स एंड एफ एक्स इज रिटन एज 40 बाई जी एक्स वेयर जी एक्स इज डिफाइंड एज दिस पॉलिनोमियल. फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा और एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वी आर डिफरेंशिएटिंग एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स सो वील हैव दिस टर्म एंड वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री जीरो एंड वन साइन फॉर एफ डैश एक्स शोन इन दिस फिगर. सो वील हैव लोकल मैक्सिमा फॉर एफ एक्स एट माइनस थ्री एंड वन एंड लोकल मिनिमम फॉर एफ एक्स एज एट एक्स इक्वल टू जीरो. सो ऑप्शन ए बी एंड सी आर सेट टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट हियर ओनली. एंड फॉर ऑप्शन बी एंड फॉर ऑप्शन सी वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स. सो इन ऑर्डर टू फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स वी हैव एक्सप्लोर्ड जी एक्स. वी आर डिफरेंशिएटिंग जी एक्स हियर एंड फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमा फॉर जी एक्स एंड वी हैव ड्रॉन रफ डायग्राम ऑफ वाई इक्वल टू जी एक्स ओवर हियर एंड एज वी कैन सी क्लियरली इन ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू जी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस ग्राफ ऑफ जी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस ट्वाइस. सो जी एक्स कैन बी इक्वेटेड टू जीरो एट टू पॉइंट्स वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माइनस थ्री एंड वन ऑन द राइट साइड ऑफ माइनस थ्री. सो वेन एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स एल्फा नेगेटिव और एक्सटेंडिंग टूवर्ड बीटा पॉजिटिव इट मीन्स दैट ऑन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ एल्फा और ऑन द राइट नेबरहुड ऑफ बीटा वी आर गेटिंग जी एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स स्लाइटली पॉजिटिव क्वांटिटी एंड हेंस एफ एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एज वी कैन सी क्लियरली दैट एफ एक्स इज डिफाइंड एट एज 40 बाई जी एक्स. सो एफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी सो वी कैन सी दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड. सो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन.